हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू लर्न टुगेदर। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कॉम्प्लिकेट का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि कॉम्प्लिकेट वर्ड का हमें सेंटेंस में यूज कैसे करना है। वीडियो के एंड में बताया गया है कि कॉम्प्लिकेट वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेट की प्रोनाउंसिएशन है कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट को हम कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटिंग भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या होता है। टू मेक अ प्रॉब्लम और सिचुएशन मोर डिफिकल्ट, किसी समस्या या स्थिति को और कठिन या मुश्किल बनाने को कॉम्प्लिकेट करना कहा जाता है। तो आइए इसे बेहतर समझने के लिए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं विद द वर्ड कॉम्प्लिकेट। दीज इवेंट्स विल ग्रेटली कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। दीज इवेंट्स will greatly complicate the situation. ये घटनाएं स्थिति को और उलझा देंगी। You must not complicate the problem by raising new issues. You must not complicate the problem by raising new issues. आपको नए मुद्दे उठाकर समस्या को और कठिन नहीं बनाना चाहिए। There is no need to complicate matters. There is no need to complicate matters. मामलों को उलझाने की जरूरत नहीं है। I do not wish to complicate the task more than is necessary. I do not wish to complicate the task more than is necessary. मैं आवश्यकता से ज्यादा काम को मुश्किल नहीं बनाना चाहता। तो आइए हम कॉम्प्लिकेट के सिनोनिम्स या समानार्थ शब्द देख लेते हैं। Perplex, हक्का बक्का हो जाना। Elaborate, विस्तार में बताना। Entangle, उलझाना। Confuse, भ्रमित कर देना। वहीं कॉम्प्लिकेट के एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स हैं सिंप्लीफाई, किसी चीज को आसान बनाना। तो जहां एक और कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज को कठिन और पेचीदा बना देना, वहीं उसका ऑपोजिट है सिंप्लीफाई, आसान बनाना। Disentangle, सुलझाना। Make simple, सरल बनाना। Facilitate, आसान करना। तो सिंपल शब्दों में कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है कठिन, पेचीदा, असरल काम, फंसाना, उलझा देना, परेशानी बढ़ाना या जटिल बनाना। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप कॉम्प्लिकेट शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्ड। अंटिल देन कीप लर्निंग, रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड स्टे हैप्पी।